फिर वो अगर लैला काली भी हो तो मजनू को गोरी नजर आती है। वो लैला काली भी हो तो मजनू को वो गोरी नजर आती है, वो रोशनी से भी रोशन तर नजर आती है। और उसकी आवाज अगर सख्त और करख्त और दुरुस्त भी हो, आवाज दुरुस्त और सख्त भी हो, तो मुहिब को महबूब की आवाज अलहूरुल ईन से भी ज्यादा मीठी नजर आती सुनाई देती। वो महबूब की आवाज से बढ़कर तरन्नुम कहीं नहीं सुनता और महबूब की आवाज से बढ़कर तगन्नुम कहीं नहीं सुनता और महबूब की शक्ल से बढ़कर खूबसूरती कहीं नहीं देखता। मजनू हज पर गया हुआ था, मजनू हज पर था, और ये शायद आपको मालूम नहीं, आप समझते होंगे कोई कोई मफरूजा है मजनू या तखय्युलाती खाका है, आप यही समझते हैं ना कि ये शायरों का तराशीदा कोई बुत है, ये समझते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। मौलाना रूम ने बड़ा तज़किरा किया है मजनू का, इश्क के पैकर और इश्क के नुमाइंदा के तौर पर मजनू ताबेईन में से था, ये भी सुन लें और सारी दुनिया पहली बार ये बात जान ले। मुझे मालूम है जहां तक आवाज जा रही है सब चौंक उठेंगे। मजनू ताबेईन में से था, इसने ताबेईन का जमाना पाया और कई सहाबा को देखा। ठीक है, वो कोई आलिम दीन नहीं था, कोई मुहद्दिस और मुफस्सिर और फकीह नहीं था, मगर वो उसका एक अपना मैदान था, था ताबेई मगर आशिक था। तो मजनू एक ताबेई, मजनू ताबेई था। हाजी साहब, हाजी साहब हैरान हो गए। अब हाजी साहब सोचेंगे इनके यहाँ कई और लोग तकरीरें करने आते हैं तो वो फतवा लगा देंगे, आपको घबराहट नहीं, फतवा लगाए तो मेरी तरफ रेफर कर दें, मैं आपको जलील और कदर आइमा मुहद्दिसीन और अस्माओ रिजाल की किताबों के हवाले लिख के भेज दूंगा। तो हज कर रहा था मजनू, दौरान हज हुज्जाज में से किसी शख्स ने अपनी बीवी को आवाज दी, उसकी बीवी का नाम लैला था, किसी शख्स ने, गुम हो गई ना रश में, मीना में उसने आवाज दी लैला, वो आवाज मजनू के कान पर पड़ी, मजनू तड़प के माहिये बियाब की तरह गिर के बेहोश हो गया, हज भूल गया, वो लैला की आवाज सुनकर बेहोश हो गया। उसको लोग उठा के खेमे में ले आए। मकसद मेरी बात का कहने का ये था कि मोहब्बत बंदे को बहरा भी करती है, अंधा भी करती है। महबूब के नाम जैसा मुहिब को कोई नाम नजर दिखाई नहीं देता, महबूब के काम जैसा कोई काम नजर नहीं आता, महबूब की शक्ल जैसी कोई शक्ल दिखाई नहीं देती, महबूब की आवाज जैसी उसे जन्नत में और हूर उल ईन के नगमे भी महबूब की खुरदरी आवाज जैसे भी दिखाई नहीं देते। अगर ये कैफियत ना हो जाए तो वो साहिब मोहब्बत ही नहीं है।